दिल्ली में नागरिकता कानून पर प्रदर्शन, तिरंगा लेकर मार्च निकाल रहे हैं लोग। जामा मस्जिद के बाहर फोर्स तैनात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नागरिकता कानून पर प्रदर्शन, जामा मस्जिद के बाहर से प्रदर्शन ये निकला है और तिरंगा लेकर मार्च निकाल रहे हैं लोग। जामा मस्जिद के बाहर अच्छी खासी फोर्स यहां तैनात की गई है। सभी से पहले ही अपील कर दी गई थी कि कोई भी प्रदर्शन हो उसमें हिंसा ना हो। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। अभी फिलहाल ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन नजर आ रहा है, क्योंकि खुद जामा मस्जिद के इमाम बुखारी भी पहले ही ये कह चुके हैं कि ये जो कानून है ये भारतीय नागरिक से कोई संबंध सीधे नहीं रखता है, इसलिए अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना भी है तो बिल्कुल भी हिंसक नहीं होना चाहिए। जामा मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर चंद्रशेखर उर्फ रावण यहां पहुंचे थे, इस प्रदर्शन की अगुवाई करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल खबरें यह आई हैं कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो गुमराह ना हो, खुद इमाम बुखारी साहब भी इस बात को बोल चुके हैं, सामने रख चुके हैं। हजारों की तादाद और लोग यहां पोस्टर्स बैनर्स के साथ पहुंचे हुए हैं और तिरंगा लेकर मार्च भी निकाला गया यहां से। जामा मस्जिद के बाहर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जहां छुटपुट हिंसा की झड़पें होती रहीं दूसरे शहरों में, वहां जामा मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती हुई। लेकिन पुलिस को यहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी रखनी होगी। ड्रोन के जरिए भी, कई ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, कोई शरारती तत्व इस भीड़ को उकसाने की कोई कोशिश ना करे, कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे भीड़ में उबाल आए और फिर कोई अराजक तत्व इस पूरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हाईजैक कर ले। तो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई है और कुछ मेट्रो स्टेशंस, क्योंकि जामा मस्जिद के आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं, चावड़ी बाजार हो, चांदनी चौक हो या फिर दूसरे मेट्रो स्टेशन, उन्हें बंद रखा गया है, वहाँ से कोई सवारी आ जा नहीं सकती। जामा मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। हालांकि शुरुआत जब हुई थी आज से 8-9 दिन पहले, जब ये कानून बिल पेश किया गया था और बिल पास हो चुका था, उसके बाद सबसे पहले अगर कहीं से विरोध की चिंगारियां सामने आई तो वो नॉर्थ ईस्ट था और ख़ासतौर पर आसाम राज्य था। लेकिन धीरे धीरे आसाम राज्य की चिंगारियाँ बुझ गई हैं, वहाँ पर स्थितियों पर नियंत्रण है पूरी तरह से, यहाँ तक कि फोन सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं वहां पूरी तरह से लगभग बहाल कर दी गई हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरा विरोध जो है मेनलैंड इंडिया, या यूं कहें कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, मध्य भारत, कई जगह से नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए, आपको बता दें कल बेंगलुरु में भी हमने देखा, बंगलुरु में भी देखा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में इस तरीके से हिंसक घटनाएँ सामने आई। लखनऊ में जो कल हिंसक घटना हुई है उसके तार दरअसल पुलिस ने बांग्लादेशियों से भी जोड़े हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों से दरअसल पुलिस ने जो मोबाइल फ़ोन वहां से बरामद किए हैं, जब्त किए हैं, बांग्लादेशी में वहां मैसेजेस का आदान प्रदान किया गया है। पुलिस को शक है कि घुसपैठियों ने, बांग्लादेशियों ने दरअसल कल की भीड़ को उकसाया और उसके बाद जो आगजनी हुई उसमें भी उनका किरदार शामिल रहा है। तिरंगा लेकर ये बड़ा मार्च निकलता हुआ जामा मस्जिद के बाहर की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ अच्छी खासी तादाद में तैनात की गई है। फिलहाल लगातार नारेबाजी हो रही है, इस बिल को, इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए सरकार का रुख, तो सरकार का रुख, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह का रुख पूरी तरह से साफ है कि इससे, इस कानून से देशवासियों का कोई लेना देना नहीं है। ये नागरिकता देने वाला बिल है, नागरिकता लेने वाला बिल नहीं है, ना ये नागरिकता लेने वाला कानून है। और ऐसे में गृहमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा है कि कानून पूरी तरह से लागू किया जाएगा, NRC भी लाई जाएगी, क्योंकि घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, हैदराबाद से तस्वीर, जामा मस्जिद दिल्ली की ये तस्वीरें। तो हैदराबाद से भी CAA का विरोध यहाँ देखने को मिला। आज शुक्रवार जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटती हुई और विरोध प्रदर्शन में
अपनी अपनी शिरकत करती हुई। चार मीनार की ये तस्वीरें दरअसल आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए CAA के विरोध में जामा मस्जिद के बाहर जो भीड़ लगी है, तिरंगा लेकर जो मार्च कर रही है, फिलहाल शांतिपूर्ण पूरी तरह से ये पूरा अमला और लगातार नारेबाजी, कानून को वापस लेने की मांग, लेकिन पुलिस यहां पूरी तरह से मुस्तैद, मॉनिटरिंग की जा रही है हर तरीके से, हर लिहाज से, CCTV कैमरों के जरिए, ड्रोन कैमरों के जरिए नजर पूरी तरह से रखी जा रही है। चार मीनार की तस्वीरें आप हैदराबाद से देख सकते हैं। तो गुमराह ना हो लगातार इस बात को भी हम पुख्ता कर देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ज्यादातर लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। आवेश में आकर, भ्रम में आकर लोग और खास तौर पर बच्चों को ढाल बनाकर जिस तरीके से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, कानून कोई अपने हाथ में ना ले। विरोध के रास्ते और भी बहुत से हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होने चाहिए। अगर किसी मामले में किसी की रजामंदी नहीं है तो उसका विरोध, उसकी मुखालफत भी शांतिपूर्ण तरीके से ही सामने आनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत से फोरम है जहां पर आवाज उठाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर कल का दिन तो हिंसापूर्ण रहा था, कई जगह हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। लखनऊ में एक शख्स की मौत भी हुई फायरिंग के दौरान, हालांकि पुलिस ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। वहीं मंगलुरु की बात करें तो वहां पर भी दो लोगों की जान उसमें गई है, हालांकि वहां कुछ विभत्स तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। अहमदाबाद में भी कल कुछ ऐसी छिटपुट घटनाएं हुई जिसमें पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया। हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए और अराजकता वहां बढ़ती हुई दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल आज भी प्रदर्शनों का दौर जारी है हैदराबाद, और ये जामा मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, नारेबाजी जोर शोर से हो रही है, लेकिन पुलिस यहाँ अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो यहाँ शिरकत करना चाहता था, इस पूरी भीड़ की अगुवाई करना चाहता था, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। तिरंगा मार्च लेकर ये भीड़ आगे बढ़ती हुई कई जगह जामा मस्जिद में, और अब ये तीन तस्वीरें देखिए, जामा मस्जिद में नारेबाजी की तस्वीरें, चंद्रशेखर पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर उनकी तस्वीर लिए हुए और संविधान की रक्षा का प्रण लेते हुए इन तस्वीरों में, और तीसरी तस्वीर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरीके से स्थितियां हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को भी अराजक होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बदमाश तत्व, शरारती तत्व जो भी हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तस्वीरें ली जा रही हैं, CCTV कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। लगातार जो पुलिस के मुखबिर हैं उनसे भी सूचना हासिल की जा रही है, किसी शरारती तत्व का इसमें समावेश ना हो किसी भी तरीके से। तो गुमराह बिल्कुल ना हो, बिल और बिल का मसौदा और कानून जो बनकर अब तैयार है राष्ट्रपति के एक्सेंट के बाद, उसमें समझाने की आपको कोशिश करते हैं। गुमराह होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि ये जो कानून बना है इससे भारतीय नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। ये कानून बना है तीन जो इस्लामिक राज्य हैं जो भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं, जहाँ से दशकों तक, या दशकों से यूँ कहें, लोगों का आना जाना लगा रहा, खासतौर पर दूसरे देशों से भारत में शरणार्थी के तौर पर, घुसपैठिए के तौर पर लोग आते रहे, और वजह खासतौर पर यह रही कि धार्मिक प्रताड़ना, और दूसरी तरफ दूसरे देशों की जो मेजोरिटी के लोग हैं वो जब सीमा पार करके यहाँ आते हैं तो उनका खास मकसद होता है कि वहाँ रोजगार हासिल करना, लेकिन इस कानून में दरअसल ये प्रावधान है कि इन तीन देशों से, चूंकि ये इस्लामिक गणराज्य हैं, ऐसे में हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, ये जो अल्पसंख्यक धर्म हैं उन देशों में वो प्रताड़ित होकर, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर यहाँ पहुँचे हैं, और जिनको नागरिकता देना भारत का नैतिक फर्ज है, भारत का कर्तव्य ये बनता है,
और चूंकि मुसलमान जो है जो दूसरे राज्यों से आए हैं यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, वो खुद इस्लामिक राज्य हैं, ऐसे में उन मुसलमानों को धार्मिक आधार पर वहां प्रताड़ित नहीं किया गया होगा, रिलीजियस ग्राउंड पर उनके साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसे बाहर रखा जाएगा। तो ये मसौदा पूरा जो है कुल मिलाकर विदेशियों के लिए, खासतौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के, लेकिन ये भी समझ आ रहा है कि बहुत कुछ भ्रम भी है लोगों में, कुछ भ्रम फैलाया भी जा रहा है और कुछ लोगों को लगता है कि दरअसल वाकई उनके नागरिक अधिकार छिन सकते हैं, लेकिन बार बार संसद के पटल के जरिए या उसके बाद भी गृहमंत्री अमित शाह इस बात का दावा कर रहे हैं, लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ अमित शाह बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये बिल, इस बिल का, इस कानून का कोई लेना देना नहीं है भारतीय नागरिकों से। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि भले ही भ्रम की स्थितियां रही हो या फिर उन्हें लगता है कि नागरिक आधार पर कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, उसके बाद लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जामा मस्जिद से। दिल्ली की ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी स्थितियां कई बार बिगड़ चुकी हैं, इसमें बेहद ज़रूरी है खासतौर पर यहाँ जहाँ हज़ारों की भीड़ जुटती है जुम्मे की नमाज के दौरान, अब नमाज हो चुकी है उसके बाद ये भीड़ अब प्रदर्शन करती हुई, नारेबाजी करती हुई, खासतौर पर ये पूरा जो मसौदा है, कानून है, इसको वापस लेने की मांग सीधे और स्पष्ट तौर पर की जा रही है।